इतना विकास दीपचंद जी ने किया, शायद मैं कहता हूँ किसी दूसरे आज तक किसी ने विकास ही नहीं किया। 50 साल से लैंड हटी, 11,000 लैंड हटा दी, कहो इसने दीपचंद गहरिया ने हटाई है दिन से। कहाँ नहीं हटाई थी? अरे 11,000 लैंड जो जा रही गंज को ऊपर जा रही जो, वो अब हटाई है। 50 साल राम हेत ने वहाँ आठ लगा दी, राम हेत ने आठ। तो ये जिले जो इंडिविजुअल वोटर को फायदा देने की कोशिश की है उसकी वजह से उसको बेनिफिट मिलने वाला है भाई। हाँ तो भाई देख, कांग्रेस ही मारेगी हाथ। इसका मतलब आपके विधायक ने यहाँ पे काम किए हैं बहुत ज्यादा, नामी विकास पुरुष हो गया उनका तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 TV नेटवर्क राजस्थान। जैसे कि राजस्थान में 2023 के चुनाव आने वाले हैं और क्या माहौल है उसी को लेकर आज हम किशनगढ़ विधानसभा की मार्केट में हैं किशनगढ़ में, और जानेंगे क्या रहेगा 2023 चुनाव को लेकर, क्या किसकी सरकार आएगी, कांग्रेस सरकार आएगी, BJP आएगी या कोई अन्य दल आएगा, क्या रहेगा आने वाला 2023 चुनाव को लेकर, किसकी सरकार आएगी, क्या माहौल रहेगा आने वाला। देखो चुनाव तो जब भी उठेगा, जब कोई टिकट बांटी जाएगी, जब भी समीकरण क्या बैठते हैं, कौन प्रत्याशी मैदान होता है, किस पार्टी से आता है। अभी तो फिलहाल चुनाव नज़दीक होने के साथ साथ ही नेताओं का तो यह हाल है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बिना बुलाए भी कुछ नेता शादी ब्याह में पहुंच रहे हैं ताकि भीड़ में पहुंचे और हमारा संपर्क हो। और कोई भंडारा कर रहा है, कोई और कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, तो किसी भी तरह अब इस समय नेता लोग जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। 4.5 साल तक ये जनता के बीच में नहीं थे, अब जो ही चुनाव नज़दीक आने लगे हैं तो जनता के नीचे में पहुँचने लग गए हैं। बाकी तो समीकरण बैठेगा, क्या बैठता है, किसको टिकट मिलता है, यादव आते हैं दोनों ही पार्टी से, कांग्रेस BJP से या किसी अन्य पार्टी से, तो उसी हिसाब समीकरण के अनुसार ही। कांग्रेस के 4.5 साल निकल चुके हैं और इसी साल 2023 में चुनाव है, इस 5 साल के कार्यकाल में क्या लगता है कि कांग्रेस को क्या रहा इस 5 साल के आपके? ऐसा है, कांग्रेस ने इस 5 साल में विकास बहुत करवाए हैं। किशनगढ़ विधानसभा में खैरथल सबसे बड़ा कस्बा है जिसको जिला घोषित किया गया हाल ही बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, उसका काफ़ी प्रभाव रहेगा इस क्षेत्र में। बाकी आगे तो जब भी पता पड़ता है कि क्या वर्तमान विधायक को टिकट कांग्रेस देती है नहीं देती है या किसी अन्य को प्रत्याशी बनाती है। ने जो खैरथल को जिला बनाया है तो आपको क्या लगता है कि जो आपका यहाँ पे सिटिंग MLA है उसको कितना क्रेडिट देते हैं आप इस काम को लेकर और किशनगढ़ विधानसभा में कार्य को लेकर? ऐसा है, मांग तो की थी क्षेत्रीय विधायक ने, बिना मांग के नहीं बनाए और मांग के अनुसार उनकी मांग मानी गई, जो रिपोर्ट गई थी। आसपास का एरिया इसमें काफ़ी लगता है, मुंडावर विधानसभा भी इसी में जुड़ता है, कोटकासिम कस्बा भी लगता है, खैरथल की पॉपुलेशन भी 17,000 के करीब है, सबसे बड़ा कस्बा है किशनगढ़ विधानसभा। चूंकि किशनगढ़ और खैरथल की ज़्यादा दूरी नहीं है, 7-8 किलोमीटर की दूरी है, तो आपस में मिले हुए हैं ऑलरेडी। यहाँ 50% कार्यालय किशनगढ़ में खुले हुए हैं, तो जिला बनने के साथ ही लोग कांग्रेस के प्रति झुकाव रहेगा। चूँकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने योजनाएं काफ़ी चलाई हैं, गरीबों की योजनाएं चलाई हैं, 10-15 साल बाद 18 जिले घोषित होना, योजनाएं चलाना, गहलोत की काफ़ी अच्छी योजनाएं हैं, कर्मचारियों को भी उन्होंने राजी कर रखा है, आम लोगों के लिए भी उन्होंने काफ़ी जनकल्याणकारी योजनाएं चल रहा है रखी है, तो उस कारण से रिपीट हो सकती है। तो आप क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश सैनी। क्या रहेगा इस बार चुनाव राजस्थान में, किसकी सरकार आएगी, BJP, कांग्रेस या अन्य कोई दल? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आएगी और जो कांग्रेस सरकार ने जो काम किया है, जो जनकल्याणकारी योजनाएं जो लागू की है आम गरीब आदमी के लिए, राशन को लो आप, स्वास्थ्य संबंधी लो, और जो ये पशु के लिए भी जो कामधेनु योजना आई है, और जो पेंशन का है बुज़ुर्गों के लिए, बिजली फ्री की जो योजना आई है, ये बहुत ही अच्छी योजनाएं हैं गरीब आदमी के लिए। हर वर्ग का आदमी कांग्रेस को वोट देने के लिए आतुर है और 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी भारी बहुमत के साथ। थैंक यू बात करने के, लगातार हम लोग बात करें और भी लोग हमारे साथ खड़े हैं उनसे अब बात करेंगे। आपको क्या लगता है कि 2023 चुनाव को लेकर क्या रहेगा माहौल, क्या रहेगा? बिल्कुल बढ़िया रहेगा, एकदम फर्स्ट क्लास। कांग्रेस का बिल्कुल एकदम बिल्कुल मजबूत खड़ी है, दोबारा रिपीट होगी। कारण? कांग्रेस काम बोलता है, गहलोत जी का एकदम काम बोलता है। तो क्या रहेगा इस बार 2023 चुनाव को लेकर? BJP आएगी, ये समस्या सबसे बड़ी। अच्छा। रात को 2-2 बजे उठना पड़ता है, कभी पानी नहीं आता है, सबसे बड़ी समस्या है पानी की कमी है। इधर
ये है। इन 5 सालों में कांग्रेस ने काम नहीं किया, आपके यहाँ पे विधायक है दीपचंद खेरिया, उसके काम से कितने संतुष्ट हैं आप? उनके काम से संतुष्ट है, उसके बावजूद भी पानी की प्रॉब्लम है बस सर, वो कुछ नहीं। तो आपको क्या लगता है क्या रहेगा इस बार चुनाव को लेकर, राजस्थान में जो 2023 में चुनाव है उसको लेकर क्या लगता है कि किसकी सरकार आएगी, बीजेपी आएगी, कांग्रेस आएगी या अन्य कोई दल आएगा, आपको क्या लगता है? सर बात तो ये है कि जो कांग्रेस ने काम किया है शायद ही कोई कर पाए इतना काम। मानवता कहती है कि इतना काम किसी ने नहीं किया जितना गहलोत जी ने अब की बार किया है। हिंदुस्तान के जितने भी लीडर हैं उन सबको एक तरफ कर दिया है और गहलोत जी एक तरफ हैं। मानवता है, मानवता को ध्यान में रखना चाहिए। इस प्रकार से कांग्रेस ने जो काम किए हैं वो बड़े सारे काम किए हैं। 17, 18, 19 जिले बनाना मामूली बात नहीं है। सबको अन्न पूर्णिमा में अनाज देना कम बात नहीं है। सबको भैंसों का लोन देना ये अन्य बात नहीं है, बहुत ऊंची बात है। पार्टियां सब देती हो पर इनके नीचे नीचे गहलोत जी के नीचे नीचे जो गहलोत जी ने शासन किया है शायद ये आज तक किसी ऐसे मुख्यमंत्री ने कोई ने नहीं किया। मेरे को ये लगता है कि अब की बार जो गहलोत जी ने काम किया है वो शायद और कोई हमने अपने ऐसे उसमें नहीं देखा है, बढ़िया काम किए हैं। और उम्मीद 100% यही है कि कांग्रेस की है, अब जनता का वैसे कोई वो नहीं है। देखो तो क्या किशनगढ़ विधानसभा की बात कर रहे हैं, खैरथल को जिला बनाया गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? जिला बनाया गया ये गहलोत जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। नहीं हमारे यहाँ की ऐसी कोई नहीं जो किशनगढ़ का डेवलपमेंट हुआ है कोई नाम से जाना जाता है भाई खैरथल किशनगढ़, ये बहुत बढ़िया काम किया है गहलोत जी ने, अच्छा जनता के हित में सबके बहुत बढ़िया कार्य किया है। आपको क्या लगता है? जी भाई कांग्रेस की और यहाँ से भाई दीपचंद ने अच्छा काम करा है तो आना भी चाहिए यो बाकी भाई आगे जनता है। तो लगातार हम बात कर रहे हैं, आइए चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, चलते चलते लोगों से पूछते हैं कि क्या माहौल है आने वाले 2023 के चुनाव को लेकर। बाकी मेरे दिल से ये है कि सरकार मोदी की बननी चाहिए। मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने, 50 सालों तक बनता रहे, यही चाहता हूं मैं। हम किशनगढ़ विधानसभा की बात करें, आपको क्या लगता है कि जो खैरिया जी का जो कार्यकाल रहा उसमें क्या रहा? खैरिया जी कार्यकाल अच्छा रहा, विकास भी कराया खैरिया जी ने, जिला भी बनवाया, इसलिए खैरिया जी को दिल से बधाई भी है। बताइए क्या लगता है क्या रहेगा इस बार? भाई खैरिया जी ने काम खूब करा, अच्छा करा, और ऊपर तो मोदी ही आना चाहिए। अच्छा आप बताइए। देखो राजस्थान में गहलोत जी सबसे अच्छे और बढ़िया मुख्यमंत्री रहे इस टाइम। इन्होंने इतनी सुविधा कर दी, इतने बेनिफिट दे दिया जनता को, आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया। जैसे कि आप बीमा, ये जीवन, ये जो मेडिकल लाइन में जो है इतने लाखों का ट्रीटमेंट करवाते हैं, सब फ्री में हो रहा है, ये पहले कभी सुविधा नहीं मिली है। और उसको गहलोत जी को देखते हुए दीपचंद जी जो है इन्होंने इस बार जितना विकास किया शायद किसी सरकार ने विकास नहीं किया था। किशनगढ़ में बहुत विकास किए और बहुत अच्छी तरीके से काम ले रहे हैं। हम तो चाहते हैं दोबारा अगर दीपचंद जी आते हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर ऊपर गहलोत जी आते हैं तो भी बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। इतना विकास दीपचंद जी ने किया शायद मैं कहता हूँ किसी दूसरे आज तक किसी ने विकास ही नहीं किया। अपने खैरथल को वो बना दिया, जिला बना दिया, और ये विधानसभा किशनगढ़ बन गई थी पहले, ये भी बहुत अच्छा काम हुआ है। और जो आसपास जो विकास हुआ है ना, शायद दीपचंद जी से ज़्यादा विकास किसी ने आज तक नहीं किया पहले। पर 2023 के चुनाव को लेकर भाई 2023 में तो मेरे हिसाब से कांग्रेस आनी चाहिए राजस्थान में। हाँ राजस्थान में, और वैसे अगर वो हाँ देखो भारत में देखा जाए तो बीजेपी आएगी मोदी आएगा। राजस्थान की हम बात करें, राजस्थान में तो कांग्रेस का ही आने का है क्योंकि बीजेपी ने कोई विकास नहीं किया है और कांग्रेस का फुल विकास हुआ है, जिले बना दिए गए हैं, इसलिए यानी कांग्रेस ने जो काम किए हैं जिला बना गया है। और दीपचंद खेरिया को क्या लगता है आप किस तरह से मानते हैं? बिल्कुल साहब, इस जैसा कोई नेता नहीं है, ये तो हमारे लिए भगवान है और हमारे गंज रोड वालों के लिए तो बहुत कुछ उन्होंने किया है और आगे भी मैं तो हमेशा दीपचंद जी ही आएंगे। क्या रहेगा इस बार 2023 में? देखो अभी एक नया कैंडिडेट और आ रहा है राम यादव, देखो क्या रहता है। कौन आ रहा है? सरकार आएगी बीजेपी कांग्रेस या अन्य? कांग्रेस आएगी राजस्थान में, बीजेपी नहीं आएगी।
चले नहीं, आप कहते जितनो काम करो या नहीं, इतनो तो एक एमएलए ने ना करो, पता है हमारे कितनी कितनी काम की हो, चाहे कोई हो, कांग्रेस ही है। पहले बसपा से जीत गए, कोई बात नहीं, हमको पार्टी से मतलब नहीं है, हमको देश से हमारा काम की मतलब है। हमारो जो अभी एमएलए ने काम किया है ना, पहले तू कह रहा है ना कांग्रेस नहीं आई, खैरतल विधानसभा यहीं ही, वो खैरतल में भी कांग्रेस आई, और अभी 10 साल से बनी है ना जो यहाँ में बीजेपी आ गई, फिर यू आ गई, दो बारी तो बीजेपी आई, बसपा आई है, यो ही कांग्रेस ही। और जो यह एमएलए ने काम किया है ना, ऐसा किसी एमएलए ने नहीं किया हमारे 50 साल 100 साल हो गया। तो इसका मतलब किशनगढ़ विधानसभा में कांग्रेस रिपीट होगी। हाँ, और सुन, मैं यहाँ को पंच सुन ले किशनगढ़ 87 से मैं देख रही हूँ कौन एमएलए कौन हाँ और कौन प्रधान, किसी ने काम नहीं किया, ईमानदार आदमी। मैं उसका ही नहीं हूँ, मैं सबका हूँ, ये मैं समझ रही हूँ, क्यों वही एमएलए को आज से आज तक यानी राज की हो सब चीज़ को, जिला में जिला प्रमुख बन लियो, प्रधान बन लियो और एमएलए बन लियो और अब मंत्री बन गयो, और फिर हमारा हमारा क्षेत्र में जिलो लिया हो, यहाँ से भत्ती की होगो। अरे गहलोत ने हमारे इतना काम कर दिया, अब ये तो सारा कोई थोड़ा घना है, होएगा तो विपक्ष तो 50 साल से लैंड 18,000 लैंड हटा दी, कहो इसने दीपचंद गहरिया ने हटाई दिन से, कहा नहीं हटाई थी। अरे 11,000 लैंड जो जारी गंज को ऊपर जारी जो वो अब हटाई है, उन्हें 50 साल राम भेतने वहाँ आठ लगा दी। हम लोग लोगों से बात कर रहे हैं और माहौल क्या है, इन लोगों से बात कर रहे हैं कि किशनगढ़ विधानसभा में क्या माहौल रहेगा आने वाले 2023 चुनाव को लेकर। बात तो भाई देख, कांग्रेस ही मारेगी हाथ हमारा हिसाब से, तो बीजेपी नहीं आई, मुश्किल है। कारण यार काम किया है बाबा ने, काम किया उसका तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की तो नहीं कह सकता मैं, तो अपने इस क्षेत्र के कह सकता हूँ, राजस्थान में तो सारे कुछ भी हो जाए कैसे। कांग्रेस ने काम किया है, हाँ यहाँ काम किया है बाबा ने, बहुत काम किया है भाई, इसकी तारीफ है, खैरतल को जिला बनाया है इसके लिए, हाँ ये बहुत बढ़िया बात करी बाबा ने, मेन काम ये किया है उसने, समझ गए ये बात। तो आप देख रहे हैं कि लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं माहौल क्या है 2023 के चुनाव को लेकर, और आज हम किशनगढ़ बास में हैं और किशनगढ़ विधानसभा जो मार्केट है किशनगढ़ बास की उसमें हैं, लोगों से बात कर रहे हैं कि 2023 के चुनाव को लेकर क्या माहौल है, क्या किसकी सरकार आएगी, बीजेपी आएगी या कांग्रेस आएगी, जैसे राजस्थान में एक परिपाटी चलती आ रही है कि 5 साल कांग्रेस रहती है और 5 साल बीजेपी रहती है, ये परिपाटी टूटेगी या बरकरार बनी रहेगी। लोगों का कहना है कि किशनगढ़ विधानसभा में जो खैरिया जी ने काम किया है वो काबिले तारीफ है और इसकी वजह से कांग्रेस राजस्थान में रिपीट हो सकती है, जिस तरह से गहलोत सरकार लगातार अपने दावे कर रही है कि अपनी योजनाओं के ऊपर दम भर रही है कि कांग्रेस को हम दोबारा रिपीट करेंगे राजस्थान में, ये आने वाला वक्त बताएगा। और लोगों से बात करेंगे क्योंकि हम सिंगड़ बास की जो मार्केट है उसमें लोगों से व्यापारियों से हम बात कर रहे हैं कि क्या रहेगा आने वाले 2023 के चुनाव को लेकर। चलते आइए बात करते हैं और देखते हैं क्या है माहौल आने वाले 2023 के चुनाव, कैसा रहेगा इस बार राजस्थान में, किसकी सरकार आएगी, कांग्रेस आएगी बीजेपी आएगी, आपको क्या लगता है? ये तो अभी कह नहीं सकते कि किसकी सरकार आएगी किसकी नहीं, अभी देखो किस करवट बैठता है ऊंट, तो जिनको उज्ज्वला से मिला है या बीपीएल वाले हैं उनको ही दे रहे हैं लाभ, आम जनता को थोड़ी ना मिल रहा लाभ इससे, सबको आम जनता को होनी चाहिए, सबको होनी चाहिए, सबके लिए हो करो अगर है तो। तो आपको क्या लगता है कि किशनगढ़ विधानसभा की बात करें तो क्या रहेगा यहाँ पे? देखो अभी तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। क्यों, आपके विधायक ने काम नहीं किया क्या? अरे सबने काम किया है, पर मेरे अकेले से ही नहीं होगा सारा कुछ, सारी पब्लिक का जिस पर आपका क्या ओपनिंग है, क्या जो विधायक से काम से संतुष्ट है? हाँ बिल्कुल काम से संतुष्ट है। इसका मतलब रिपीट होगी? ये तो नहीं कह सकते रिपीट होगी। आप क्या कहेंगे? बढ़िया काम किया है विधायक ने, सारे रास्ते जोड़ दिए उसने, सर काम करा है इन्होंने भाई। विकास पुरुष दीपचंद जी के फेवर में जनता ज़्यादा है। अच्छा, हाँ, और अगर विकास इसी तरह होता रहा तो इनको कोई हराने वाला है नहीं, यही हमारी सोच है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में गहलोत अगर आ रहे हैं तो गहलोत बाजी मार ले जाएंगे। इसका मतलब आपके विधायक ने यहाँ पे काम किए हैं? बहुत ज़्यादा, नामी विकास पुरुष हो गया उनका तो, नामी विकास पुरुष हो गया दीपचंद खेरिया से, विकास पुरुष दीपचंद खेरिया,
विधायक किशनगढ़ बास। एक नया नाम जुड़ गया इसका मतलब। हाँ तो काम खूब किए हैं। खूब काम किए। जैसे बता रहे हैं कि बीजेपी का भी पलटा भारी है और वहाँ से कांग्रेस का भी, लेकिन जो सरकार ने काम किए हैं बिल्कुल, यानी कि जमीनी धरातल स्तर पर उतर के जो काम किए उसके अकॉर्डिंग मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस ही एक बार शायद हो सके आ जाए। रहेगा इस बार 2023 के चुनाव को लेकर किसकी सरकार आएगी, कांग्रेस आएगी, बीजेपी आएगी या कोई अन्य दल आएगा? देखो इस बार टक्कर बराबर की रहेगी, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने भी काम अच्छा किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो आपस की फूट है ना दोनों दलों में, इसकी वजह से थोड़ा सा दोनों में प्लस माइनस रहेगा। एक तो क्या है कि एंटी इनकम्बेंसी का फ़र्क रहता ही रहता है, आप कितना भी अच्छा काम कर लो। लेकिन सबसे बड़ा कांग्रेस सरकार का प्लस पॉइंट यही रहेगा कि जो इंडिविजुअल वोटर को फ़ायदा देने की कोशिश की है उसकी वजह से उसको बेनिफिट मिलने वाला है। एक्चुअल में क्या है, जो अपन बड़े काम करते हैं ना, रोड बनाना, लाइट देना, ये करना, वो करना, वो कोई मायने नहीं रखता, वो हर सरकार करती है। लेकिन इंडिविजुअल जो वोटर को जैसे लाइट में भी फ़ायदा दिया है और कई जगह इस तरह की चीज़ें हैं जो अब स्कीम चलाई है, तो उसका व्यक्ति का जो फ़ायदा मिला है तो उसकी वजह से कई राहत कैंप चल रहे हैं जो, हाँ उसका भी बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कितनी भी परसेंटेज में मिले। बाकी तो सब ठीक है, अब इसमें तो कोई कुछ नहीं कह सकता। कई बार क्या होता है कि इलेक्शन के टाइम में मुद्दे ऐसे हावी हो जाते हैं, कई चीज़ें जो ये मुद्दे डेवलपमेंट के सारे साइड हो जाते हैं कई बार, चाहे तो हिंदू मुस्लिम का कह लो या कोई और, कोई ऐसा अचानक से कोई ऐसा सुर्रा फेंक देता है कि वो सारे मुद्दे को हो जाते हैं, हवाई हो जाते हैं। किशनगढ़ विधानसभा की बात कर रहे हैं हम, किशनगढ़ विधानसभा में अब बैठे हैं तो यहाँ क्या रहेगा? लगातार जिस तरह आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का बहुत अच्छा रहा ये 5 साल कार्यकाल, जो कह लो सरकार जो योजनाएं लेकर आ रही है, इस बार क्या रहेगा किशनगढ़ विधानसभा की बात करें? देखो किशनगढ़ विधानसभा में सबसे बड़ी चीज़ है कि ये टिकट के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। वैसे खेरिया जी ने अच्छा काम किया है, इंडिविजुअल उनकी पोजीशन अच्छी है, काम भी बढ़िया है, सब चीज़ अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है खेरिया जी का। लेकिन अब अदर पार्टी किसको वोट देती है, अब ये चीज़ें ना गौण हो जाती है कई बार, क्या कास्टिज्म इतनी हावी हो जाती है कि ये चीज़ें फिर साइड में हो जाती है। अब मान लो जैसे दूसरी पार्टी और कोई तीसरी पार्टी ने किसी ने और कैंडिडेट आ गया तो वो वोट कट जाते हैं, तो वो चीज़ है। बाकी तो ये ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि खेरिया जी की पोजीशन अच्छी है, खेरिया जी को टिकट मिलती है तो 99% चुनाव, हाँ बिल्कुल निश्चित रूप से वो निकाल सकते हैं। जब क्या रहेगा इस बार चुनाव को लेकर? देखो जी चुनाव में तो अब हमारे विधायक जी ने काम बहुत अच्छे किए हैं वैसे तो, बाकी आने वाले समय में अभी टाइम है थोड़ा, देखो आगे माहौल क्या बनता है। तो किशनगढ़ विधानसभा में काम किए हैं विधायक? हाँ बिल्कुल, विधायक जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं हमारे यहाँ, अच्छे तो इस बार आने के चांस दोबारा? हाँ लगता है ऐसा, 60-40 का हिसाब रहेगा। हर बार तो कांग्रेस यहाँ से हारी है? नहीं जीती है पिछली बार, हाँ खैर कांग्रेस तो हारी है, तो किशनगढ़ विधानसभा बनी है तब से तो हारी है। हाँ नहीं देखो चांस, बाबा ने अच्छे काम किए हैं, अब की बार विधायक जी का समर्थन करेंगे। आप बताइए क्या लगता है, क्या रहेगा? हाँ क्या रहेगा इस बार राजस्थान में चुनाव को लेकर? चुनाव राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट करेगी जी, हाँ बिल्कुल पूर्ण बहुमत से करेगी, अच्छे बहुमत से करेगी। कारण? कारण विकास, गहलोत जी ने जो काम किए हैं कोई उसमें कोई संदेह नहीं है, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं और अब तक का रिकॉर्ड कायम कर दिया उन्होंने विकास के मामले में। तो आज हर आदमी को जिस चीज़ चाहिए, जो जमीन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, राशन है, बिजली का बिल है, सब में उन्होंने रियायत दी है। बिजली उन्होंने चिरंजीव योजना के तहत 25 लाख का इंश्योरेंस दिया है, 10 लाख का इंश्योरेंस अलग से दिया है, तो वो चीज़ें बोल रही हैं, जनता बोल रही है। तो किशनगढ़ विधानसभा की बात करें तो जिस तरह से काम किए इस बार सीट कांग्रेस की आ सकती है? बिल्कुल 100% कांग्रेस की सीट आएगी और अच्छे बहुमत से हम चुनाव जीतेंगे, मतलब कांग्रेस चुनाव जीतेगी। तो राजस्थान की बात करें तो? राजस्थान की बात करें तो बिल्कुल आप मान के चलो कि 160 प्लस सीटें इस बार रहेंगी कांग्रेस की राजस्थान में। तो लगातार जिस तरह से ये परिपाटी चलती आ रही है, 5 साल कांग्रेस रहती है और 5 साल बीजेपी रहती है, आपको क्या लगता है कि ये परिपाटी टूटेगी इस बार? इस बार बिल्कुल टूटेगी, 100% इसके आसार नज़र आ रहे हैं और आप देखना जब रिजल्ट आएंगे तो वो चौंकाने वाले रिजल्ट होंगे। गहलोत सरकार का जादू चल गया, तो इस बार जादू चल गया उसका जी। तो आपको क्या लगता है इस बार चुनाव को लेकर राजस्थान? अभी तो बहुत टाइम है, हाँ। पब्लिक का मानस बना पड़ा है, दोबारा मोदी रिपीट होगा। तो
तो राजस्थान में काम नहीं होगा? राजस्थान में तो काम होगा, राजस्थान में भी लीडर आएगी। मैडम वसुंधरा आ रही है दोबारा मैदान में। वसुंधरा को तो गायब कर रखा है, वो तो नाम ही नहीं ले रहे। ऐसा कुछ नहीं है, ये आपस में छोटी मोटी बातें होती है, वो सही हो जाती है। अच्छा, तो ये ऐसी कोई बात नहीं, इसका मतलब कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया? नहीं, कांग्रेस ने काम किया, हम कहा नेगलेक्ट थोड़ी कर रहे हैं, नेगलेक्ट थोड़ी कर रहे हैं, काम उनने किया है, अपना अपना नजरिया है हर आदमी का देख। और काम किशनगढ़ विधानसभा की बात करें तो विधायक जी ने अच्छा काम किया है, उनके लिए धन्यवाद। तो सीट निकलेगी कांग्रेस? अब देखो सब, ये तो अकेला आदमी तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, हर आदमी की इच्छा है क्या है, बाकी अच्छा काम किया, अच्छा काम किया। सीट की नहीं कह सकते? सीट की मैं अभी टिकट क्या पता क्या है 2023 को चुनाव को लेकर क्या लगता है, क्या रहेगा इस बार? बढ़िया चुनाव है, बीजेपी ज्यादा चर्चा है हमारे यहाँ तो, बीजेपी ज्यादा चर्चा है हमारे यहाँ तो। राजस्थान में क्या रहेगा? बीजेपी रहेगा। और हम किशनगढ़ विधानसभा की बात करें तो जब दीपचंद जाएगा, बीजेपी नहीं आएगी ना? सर या नहीं, तो क्या कांग्रेस ने काम अच्छे किया है क्या? बढ़िया काम किया, बहुत ज़्यादा बढ़िया काम, दिल्ली में बहुत बढ़िया काम करे, जिला बना दिया, सड़क देखो सड़क बना दी, बहुत काम किया जिले। आप बताइए, तो आप लगातार हम जैसे हम बात कर रहे हैं लोगों से कि इस बार क्या रहेगा माहौल 2023 के चुनाव को लेकर, और आप देख रहे हैं कि किशनगढ़ विधानसभा में जो लोग कह रहे हैं कि दीपचंद खेरिया ने और कांग्रेस ने बहुत सराहनीय काम किए हैं और आने वाले 2023 का जो चुनाव है बहुत बढ़िया परिणाम लेके आएगा। आप बताएं 2024 के लेकर कांग्रेस आएगी? और बोलो, राजस्थान में? राजस्थान में क्यों? कांग्रेस काम कर रही है, अच्छा अच्छा कार्य कर रही है, और क्या है। ये तो हर साल राजस्थान में एक परिपाटी रहती है, 5 साल कांग्रेस रहती है, 5 साल बीजेपी, इस बार क्या टूटेगी क्या? नहीं, कोई नहीं टूटेगी। हाँ, नहीं टूटेगी, नहीं टूटेगी, नहीं। तो बीजेपी आएगी? बीजेपी। और किशनगढ़ विधानसभा की बात करें तो किशनगढ़ बीजेपी आएगी? अभी तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी। भाई सारे जगह कांग्रेस आएगी, बीजेपी तो यहाँ विधायक ने काम नहीं किया आपके? काम खूब करा है, उसके बाद भी नहीं आएगी? नहीं, तो काम की कोई वैल्यू नहीं है? नहीं। तो आप देख रहे हैं कि लोगों की राय है कि काम क्या नहीं किया, आपको क्या लगता है, आप लोग बताइए क्या रहेगा इस बार राजस्थान में चुनाव को लेकर क्या माहौल है? कांग्रेस का भी प्रभाव है इस टाइम तो, वैसे बीजेपी का भी थोड़ा टक्कर बराबर है, देखो कौन आता है। किशनगढ़ विधानसभा की बात करें तो किशनगढ़ विधानसभा दोनों बराबर टक्कर, देखो कौन आता है, बीजेपी टक्कर है कांग्रेस की। और आपके विधायक ने काम किए हैं क्या? आपके विधायक ने दीपचंद ने यहाँ पे काम किए? हाँ, काम तो किया है, बहुत काम किया है। तो आपको क्या लगता है रिपीट होगी कांग्रेस? देखो हो सकता है अभी जाए कांग्रेस आ जाए, हो सकता है। हाँ, हमारा नाम नेवंद राव। क्या लगता है क्या रहेगा इस बार कांग्रेस आएगी इस बार यहाँ से? तो राजस्थान किशनगढ़ में, और राजस्थान की बात करें तो किशनगढ़ से आगे हो सके आ जाए। तो आप बताइए युवा है क्या रहता है कि इस बार क्या मुद्दे रहेंगे, रोजगार के मुद्दे रहेंगे इस बार? रोजगार के मुद्दे नहीं रहेंगे, राजस्थान में कांग्रेस ही आएगी इस बार भी। कांग्रेस आएगी? हाँ जी बिल्कुल 100%। अच्छा जी, तो ये जो परिपाटी चल रही है 5 साल कांग्रेस आती है 5 साल बीजेपी, इस बार क्या टूटेगी क्या? हाँ इस बार टूटेगी, क्योंकि रीजन 19 जिले बन गए, उसके कारण टूटेगी इस बार। आपके खैरतल को भी जिला बना दिया? हाँ जी, बहुत खुश है हम खैरतल के जिले बनने से। तो आप देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं कि किशनगढ़ विधानसभा की बात कर रहे हैं कि क्या रहेगा इस बार माहौल, क्या हाल है बाबा, क्या नाम है? राम सुगन। कहाँ करें वाले? कांकरा। कांकरा, क्या रहेगा इस बार चुनाव में? चुनाव में भाई अभी कोई तुलना ना हुई, कुछ भी तुलना ना हो रही, अभी कोड़ मच्छर चल रहा, कोई कितनी खींच रो पार्टी खींची पड़ी चार मेयर से, बीजेपी अपनी तरफ खींच रही, कांग्रेस कांग्रेस फूटे बीजेपी में फूट चल रही है, कोई खास निर्णय नहीं हो रहा, कहीं सुनी नहीं निर्णय की। अच्छा, अभी कोई निर्णय नहीं है। तो किशनगढ़ की बात करें तो किशनगढ़ विधानसभा की बात करें तो इसमें क्या रहेगा? इस किशनगढ़ की कह रहा हूँ मैं, किशनगढ़ में कुछ तो लोग खींचते हैं, बीजेपी वाले तो खींचे, हमारी जो यहाँ जो कांग्रेस आनी थी या जिला के लेवल से, तो जिला में कुछ लोग खींच रहे बाहर को, कुछ मुठभेड़ चल रहा है आपस में, बात ये हो रही है सबसे बड़ी। नहीं, तो आपके विधायक ने काम नहीं किया क्या? खूब बढ़िया किया है विधायक, फिर उसके बाद भी नहीं आएगा? उस पर नून आ रहा, कुछ लोग खींच रहे हैं आपस में। कौन खींच रहा है, क्या खींच रहा है? बीजेपी वाले खींच रहे हैं। कहाँ के लिए? भिवाड़ी के लिए। अच्छा, और यहाँ इनने जिला कर दिया खैतर। हाँ, इस पर खींच चल रही है आपस में। अब देखो क्या होता है, अगर निर्णय हो जाए जिला सही बन जाता है तो कांग्रेस आ सकती है, और जिला कहीं दाएं बाएं हो तो बिगाड़ हो सकता है, पक्का बिगाड़ हो सकता है, पक्का। तो ये डामल डोल है? डामल डोल, अभी कोई निर्णय नहीं, कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं पड़ा किसी का, काम का कोई मायने नहीं है। काम खूब बढ़िया किया, काम को चाहे सोना की चौथरी बना दो, कोई मायना नहीं कर रहा है काम। अच्छा, काम को देख ही नहीं रहा काम। आप बताइए, दीपचंद जी जिंदाबाद।
काम किया उन्होंने? हाँ, काम बहुत अच्छा काम किया। बढ़िया। इस बार कांग्रेस आएगी? कांग्रेस आएगी। अच्छा, काम लोग तो कह रहे नहीं आएगी। कांग्रेस को काम बहुत करा, काम तो काफी किया कांग्रेस, ये काम तो काफी किया है, दो रहे नहीं किया, काम तो किया है काम तो। ओम प्रकाश, क्या रहेगा इस बार राजस्थान में, किसकी सरकार आएगी, कांग्रेस, बीजेपी या अन्य कोई दल? भैया इस टाइम तो खिचड़ी हुआ है। खिचड़ी है? कैसे खिचड़ी कैसे? उधर कांग्रेस भी यह हाल है, बीजेपी का भी यही हाल है, तीसरा कोई आएगा उस क्या हो? आपके विधायक की बात करें तो, आपके विधायक की बात करें तो, विधायक बढ़िया हमारा काम किया, आपके विधायक बहुत, तो आएंगे टिकट मिलती है और सेंट परसेंट। अच्छा, तो और क्या लगता है आपको क्या रहेगा इस बार चुनाव का? हाँ, चुनाव का तो फुल बहुमत में बीजेपी आएगी अपने यहाँ से, तो अपने जो पूर्व विधायक रामेश जी यादव हैं उन्होंने बहुत काम किए हैं और उम्मीद करते हैं कि वो अच्छे वोटों से यहाँ से सीट निकालेंगे। इसका मतलब कांग्रेस ने काम नहीं किया? कांग्रेस ने काम किया, कौन मना कर रहा कांग्रेस ने काम नहीं किया, पर बीजेपी ने जो काम किए हैं, बीजेपी राज में जो काम हुए वो कांग्रेस शासन में नहीं हुए। तुलना करते हैं हम लोग, जैसे 10 साल बीजेपी का यहाँ पे कब्जा रहा है और अब कांग्रेस का, बीजेपी बसपा का जो विधायक है समर्थन कांग्रेस है, इनमें आपके 5 सालों में क्या काम अच्छे किए हैं जो किशनगढ़ विधानसभा के लिए काम अच्छे हुए? ऐसा है, जो बीजेपी राज में काम हुए हैं वो इतने बढ़िया काम हुए हैं। क्या एक काम बा, 5 काम बनाए? एक काम बता देता हूँ, जो हरसोली से लेकर नौगांव तक जो सड़क बनाई है 964 करोड़ रुपए की, वो कांग्रेस शासन नहीं हुआ था, बीजेपी सरकार में होता। उसके अलावा जो बाईपास किशनगढ़ से खैरथल से जो बाईपास निकल रहा है वो बीजेपी राज में हुआ है, कांग्रेस नहीं हुआ, कांग्रेस ने तो उसको और भी अधूरे में छोड़ रखा है। मैं यहाँ किशनगढ़ वास्ते व्यापार महासंघ का अध्यक्ष हूँ परमान लखियाणी, और ये मैं दावे से कहना चाह रहा हूँ कि जो काम बीजेपी शासन में हुए वो कांग्रेस शासन में नहीं हुए। कांग्रेस शासन में तो लोग इतने त्रस्त हो चुके हैं कि, और आप बात करते हो इस टोल टैक्स, जो खैरथल टोल टैक्स लगा हुआ है, हमेशा लड़ाई को उतारू रहते हैं। 10 किलोमीटर एरिया है कुल, जिसमें 5 किलोमीटर खैरथल वाले बेचारे उनके काम किशनगढ़ पड़ते रहते हैं, किशनगढ़ वालों खैरथल पड़ते रहते हैं। हर बार क्या, अगर दिन में कोई 5 बार जाता है 5 बार टोल टैक्स देगा? आप बताओ, लोकल अपन आदमी बैठे हुए हैं और ऐसे ऐसे जो काम कर रखे हैं कांग्रेस सरकार ने, वो बीजेपी ने अच्छे काम किए पिछले 10 सालों में। आपको क्या लगता है कि जो विधायक है इसने आपके किशनगढ़ विधानसभा में काम नहीं किया? बहुत काम किए, हमने नहीं कहा काम नहीं किए, जिला उसने बना दिया, क्या आप विरोध कर रहे हो? नहीं, क्यों विरोध कर रहा हूँ, जिला विरोध कर, जिला बनना बहुत कह रहे हैं कि बीजेपी विरोध कर रही है? नहीं नहीं, कोई विरोध नहीं कर रहा है, जो जिला बना है उसके बेनिफिट बहुत अच्छा मिलेगा, इससे फायदा है, बिल्कुल फायदा होगा। कांग्रेस के मतलब रिपीट होगी? नहीं होगी कांग्रेस रिपीट, शासन बीजेपी का आएगा। और ऐसे काम तो पहले, काम के कोई मायने नहीं रखता? नहीं, काम का मायना रखता है, जो बीजेपी शासन ने काम किया है वो कांग्रेस शासन ने काम नहीं हुए। आप भले तुलना करके देखो, आज केंद्र में बीजेपी सरकार है, आप केंद्र की जो सड़कों को जाल बिछाया गडकरी ने, जो भारत सरकार ने मोदी ने काम कर रखे हैं, वो कांग्रेस सरकार में कहाँ होता है काम? ठीक है सर, थैंक यू बात करने के लिए कि राजस्थान में 2023 चुनाव को लेकर क्या माहौल रहेगा। लगातार किशनगढ़ विधानसभा की आपको चुनावी माहौल आपको दिखाते रहेंगे, देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।